नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सर्वई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानीखेड़ा निवासी एक महिला द्वारा डीआईजी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में न सिर्फ गांव के दबंगों बल्कि पुलिस आरक्षकों पर भी आरोप लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि दबंगों के साथ मिलकर पुलिस आरक्षकों द्वारा पहले शराबखोरी की गई और उसके बाद वे रात में उसके घर पहुंचे, जहां पर उसे धमकाया गया कि अब वो आगे रिपोर्ट न करे। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। थाना सर्वई अंतर्गत ग्राम रानीखेड़ा निवासी कमलेश चतुर्वेदी ने बताया कि उनके अधिपत्य की जमीन में मनोज कुमार, विनोद कुमार और सर्वेश द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी सूचना थाना सर्वई में दी गई थी। साथ ही बताया गया था कि जमीन का मामला अदालत में लंबित है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई और खेत जोत कर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसके बाद रात 12 बजे विरोधियों द्वारा थाना सर्वई में पदस्थ आरक्षक सिद्धनाथ और राकेश को बुलाकर पार्टी में खाना और शराब पिलवा कर गाली गलौज किया गया। इस मामले को लेकर डीआईजी विवेक राज सिंह को कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। प्रताड़ित महिला कमलेश चतुर्वेदी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और उसे नाजायज परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा नहीं हम गए खेत में, क्या रहते, हमने कहा नहीं है, कुछ नहीं। थाने गए, पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं, गेट लगा के अंदर। क्या आरक्षक रात में गए थे अभद्रता की थी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, गाली गलौज और ईंटा भी चलाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें और फॉलो करें और जुड़े रहें लगातार ताज़ा खबरों से।